मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर का नाम कन्हैया लाल अग्रवाल। मैं जमशेदपुर में ही पैदा हुआ, जमशेदपुर में ही पढ़ा लिखा, बड़ा हुआ, नौकरी की। 60 में मैंने यहाँ एडमिशन लिया था RIT जमशेदपुर में। उस समय RIT था, अब NIT हो गया, और यहीं से पास किया। पास करने के बाद मैं कुछ कारण से मेरी एक्सीडेंट हो गया था, हाथ में चोट थी, तो करीब 8-9 महीना बर्बाद हुआ। उसके बाद मैंने TRF में ज्वाइन किया। TRF में मैं मटेरियल हैंडलिंग का एक्सपर्ट था, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का और कॉन्ट्रैक्ट का, प्रोजेक्ट का। उसके बाद फिर मैं बेंगलोर चला गया और मेटल हैंडलिंग में भी फिर मैंने प्रोजेक्ट डिजाइन सेल्स किनों का काम किया। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। आज भगवान की कृपा से बड़ा अच्छा बिजनेस है। मैं फ्लो सिस्टम के लिए सब कुछ करता हूँ, ऑल टाइप्स ऑफ पंप्स, ऑल टाइप्स ऑफ वाल्व, ऑल टाइप्स ऑफ पाइप्स, ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, चाहे AC मोटर, DC मोटर, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, जो भी हो, सब कुछ करते हैं। साथ में इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स वगैरह भी करते हैं। सबको बधाई, टोटल टर्न की जॉब लेते हैं। और सबको बहुत बहुत बधाई जो बाहर से आए हैं, ये सज्जन जो इस बात कर रहे थे, ये अमेरिका से आए हैं, जिससे पानी के लिए हमारी बैचमेट है, वो भी अमेरिका में हैं, और सब मिल करके सब उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। मुझे भी इन्होंने बुलाया जी, बड़ा अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद। हम BN दीक्षित 62 में एडमिशन लिए थे, 66 में पास किए। अलुमनी मीट का जहाँ तक सवाल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आज के डेट में जो भी हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान है अलुमनी का। दोस्त मित्र और ख़ास करके इंस्टीट्यूट के जो दोस्त मित्र कहीं भी मिलते हैं, ऑल ओवर द कंट्री और इवन एब्रोड, हमको तो एब्रोड में नहीं मौका मिला, किंतु जहाँ भी मिलते हैं वो नेचुरली ब्रदरहुड और ये संबंध आपसी ऐसा रहता है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, गाइड करते हैं, और उसे हर फील्ड में आगे बढ़ने का बहुत ही स्कोप रहता है, जो देश के लिए और सबके लिए बहुत ही माने लाभदायक है। और हम तो एनुमरेट करेंगे तो बहुत डिटेल्स में हम अपने आप को बोल रहे हैं कि पैसा के मामले में तो तौला नहीं जा सकता है। पैसा के मामले में चूँकि हम जैसे सर्विस भी किए, शुगर इंडस्ट्री में किए 66 में पास करने के बाद, उसके बाद टाटा स्टील में सर्विस किए 12 साल, वहाँ भी हमको अपने दोस्त मित्र यहाँ के जो भी मिले उनका बहुत माने गाइडेंस मिला। फिर उसके बाद जब अपना ये में आए, अपना बिजनेस में आए, कंस्ट्रक्शन या ये में, तो उसमें भी हमको बहुत ही सपोर्ट मिला, और हम उसको तौल नहीं सकते हैं क्वांटिटी वाइज या डिटेल्स में। और सबको हम धन्यवाद देते हैं, खास करके ये इंस्टीट्यूट, जब ये 62 में कैंपस स्टार्ट हुआ था यहाँ जहाँ हम लोग हैं, पहले पहल हमारा बैच आया था और हम लोग यहाँ क्लास स्टार्ट किए थे, हॉस्टल में यहाँ रहे थे, और आज ये एकदम चमकता हुआ सितारा हो गया है और देश भर में एक स्थान है इस इंस्टीट्यूट का। इसकी हम शुभकामना करते हैं कि और आगे बढ़े, जिससे कि हमारे स्टूडेंट भी आगे बढ़ें, देश की तरक्की हो, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो सपना है वो वर्ल्ड में हमारा भारत ऊंचा से ऊंचा रहे, और वर्ल्ड इकोनॉमी में अभी 5th है, वो जल्दी 3rd में आ जाए, फिर उसके बाद टॉप पर चला जाए 47 तक, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। आप निर्जा के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और आप लोगों के समय RIT एक उभरती हुई संस्थान थी, और वो संस्थान अपने आप में एक आज इतना बड़ा वटवृक्ष बन गया है, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और आपके बच्चे पूरी दुनिया में आप लोगों को गौरवान्वित कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताने के साथ उन बच्चों को बधाई दीजिए कि जो आप लोगों के बताए रास्तों पर चलते चलते आज पूरे देश और विश्व को बना रहे हैं। जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं पिछले 42-43 साल से RIT जमशेदपुर से ग्रेजुएट होने के बाद US चला गया था, वहीं सेटल हो गया। मैंने जो विश्व की एक आइकॉन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कंपनी है बेल लैब्स जी, ल्यूसेंट टेक्नोलॉजी और AT&T बेल लैब्स, जहाँ से टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ, जिस कंपनी को आज के दिन भी सबसे ज़्यादा नोबल प्राइस इन टेक्नोलॉजी मिले हैं, उस कंपनी में मैंने लगभग 35 साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया। उसके बाद मैं रिटायर हुआ, एंड 2021 में मैंने एक सपना देखा कि अपने कॉलेज के लिए, अपने देश के लिए, हाउ टू गिव बैक। यस,
सो दैट इज माई ड्रीम हाउ टू गिव बैक. आई टॉक टू डॉक्टर शुक्ला एंड ही फुली कोऑपरेटेड विद मी. आई टॉक टू हिम एवरी वीक, मे बी सम टाइम टू थ्री टाइम्स इन ए वीक. एंड आवर विजन इज टू ब्रिंग एन आई टी जमशेदपुर टू टॉप 10 एन आई टीज और मे बी इक्वलेंट टू वन ऑफ द आई आई टीज. वेल विशेस सर. या सो दैट इज अवर ड्रीम एंड वी आर वर्किंग ऑन इट. वी इन लास्ट 18 मंथ्स वी हैव ऑलमोस्ट एबल टू गेट 10 करोड़ प्रोजेक्ट्स टू एन आई टी. फर्स्ट वन इज ऑलमोस्ट 4.53 करोड़ का पावर ग्रिड के थ्रू पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हॉस्टल सबको वाईफाई कराने के लिए. दैट इज फैसिलिटेटेड बाय नेटजा विद वन ऑफ आवर एलमनी फ्रॉम 1975 बैच. आई एम फ्रॉम 73. मिस्टर आई एस झा ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल एंड ही वॉज एक्स सी एम डी ऑफ पावर ग्रिड. Also is the All India Electricity Regulatory Board के चेयरमैन हैं. तो उन्होंने ये काम किया. उसी के साथ उन्होंने उसके बाद फिर दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ हम लोगों का MOU हुआ है NIT का फॉर द जॉइंट वेंचर. आफ्टर टॉकिंग टू पानी जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने स्कॉलरशिप शुरू की हैं. आज मैंने भी एक स्कॉलरशिप शुरू किया है जी. हमारे एक डॉक्टर चित्रंजन शाह हैं US में, उन्होंने भी स्कॉलरशिप दिया. एंड RSB ग्लोबल जो कि जमशेदपुर में जाना पहचाना नाम है, आर के बहरा एंड एस के बहरा. आर के बहरा इज अवर एलुमनी ऑफ 67 बैच. हमारी रिक्वेस्ट में उन्होंने साथ सब गर्ल्स हॉस्टल में प्रिंटर्स एंड डेस्कटॉप दिए हैं ताकि बच्चियों को रात में शाम में प्रिंटिंग की परेशानी ना रहे जी. RSB ने सर रेगुलर कार्यक्रम में मैं देखता हूँ कि NIT को सपोर्ट और उनके साथ कई एक ऐसे प्रोजेक्ट उनके MEU पे चल रहे हैं और वो बहुत बड़ा विजन रखते हैं अपने पूरे टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में. या उन्होंने भी SK बहरा केम हियर साइन है MOU ऑन ए जॉइंट वेंचर विद NIT. तो इस विद इन ए ईयर 18 मंथ वी आवर नेटजा गॉट विच स्टैंड फॉर NIT जमशेदपुर एलमनाई एसोसिएशन वॉज रजिस्टर्ड ऑन 20th सेप्टेम्बर ऑफ 2021. सो अबाउट 18 मंथ्स उसमें हमने इतना किया. तो आई थिंक इट इज अ बिग अकम्प्लिशमेंट बट इट इज अ ड्रॉप इन ए ओशन. बिल्कुल सर. सर अब नए स्टूडेंट्स जो पूरे इंजीनियरिंग सेक्टर में पूरे देश में काम कर रहे हैं उन सबों में बच्चियों की बड़ी भागीदारी है. अब हमारी बेटियां गौरवान्वित हो रही हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स में आकर. तो सर पूरे स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे, कैसे करें कि जो भारत को हम उस विकसित राष्ट्र और सर्वोपरि राष्ट्र बना सकें? उनके लिए मेरा मैसेज एक्चुअली मेरे अपने एलुमनीज के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है और फैकल्टीज के लिए भी है. सम ऑफ द फैकल्टीज आर मच जूनियर टू मी. सो पहले मैं स्टूडेंट्स से शुरू करूँगा. हाँ, स्टूडेंट्स थिंक बिग, ऑलवेज ड्रीम द स्काई, डोंट थिंक लेस, बिकम ए जॉब क्रिएटर नॉट द जॉब सीकर. यही हम लोग लगभग नाउ 5000 प्लस रजिस्टर्ड मेंबर हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं. वी आर हियर टू हेल्प आवर स्टूडेंट. स्टूडेंट इज नंबर वन प्रायोरिटी. एवरीवन शुड रजिस्टर्ड विद NIT. वी हैव स्टार्टेड अ मेंटर प्रोग्राम, मेंटर एंड मेंटी. सो रजिस्टर्ड फॉर द मेंटीशिप प्रोग्राम. साइन व्हाट एरिया यू वांट टू बी मेंटर. वी विल फाइंड यू अ मेंटर. We have a registered organization in North America. There is about 800 alumni registered. And we are doing a very similar function in Atlanta, Georgia on 29th of April. We are expecting 300 plus alumni there to meet.
एंड एवरी वन इज डेडिकेटेड फाइनेंशियली तन मन धन से सेवा करें, सेवा करने का हमारा मन है जी। स्टूडेंट्स को मेरा यही रिक्वेस्ट कहना तो ठीक नहीं है, पर फिर भी अपील है और रिक्वेस्ट भी मान लो, छोटे बच्चे हैं मेरे जी जी बिल्कुल हाँ, कि हमेशा गुरु की इज्जत करो, पढ़ो और इस प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझो जी। कि इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट और टेक्नोक्रेट से क्या कहेंगे जो इंडिया को एक उस पोजीशन पे लेके चले जिसके लिए हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हाँ राइट, दैट इज अवर ड्रीम। सो मैं पर्टिकुलरली मैं इंडस्ट्रीज को तो अपील नहीं कर सकता, नहीं जिसको कहना है। पर अभी यहाँ संजीव पॉल बैठे थे टाटा स्टील के, आई टॉक टू हिम टाइम टू टाइम, मेरी अपील उनसे है और भी जैसे बहरा साहब है, हमारे जो भी NITian जहाँ भी हैं, तो दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ माई एलुमनी अपील, कम फॉरवर्ड ऑन तन बंधन से, जो भी आपसे बने वो कॉलेज को करो, अगर कॉलेज प्रोग्रेस करेगा तो सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी, सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी तो देश प्रोग्रेस करेगा। और जो आज मोदी जी का सपना है उसको बूंद बूंद से अगर हम कोशिश करेंगे तो वो सपना उनका साकार करने में हम लोगों को कोई हर तरीके की एलुमनी कैन नॉट डू एनीथिंग। इफ आई एम अपीलिंग टू स्टूडेंट कि ट्रीट देम देयर पेरेंट्स, आई एम अपीलिंग टू द फैकल्टी ट्रीट स्टूडेंट एज देयर ओन किड्स। थैंक यू सर। सो एंड सपोर्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टीच स्टूडेंट्स टू बी ए जॉब क्रिएटर, जस्ट डोंट गिव देम द बुक नॉलेज, गिव देम ए प्रैक्टिकल नॉलेज। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी लोग अपने संस्थान निट्जा या जो भी ऐसी मीट होती है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से और आपके मानवता के दृष्टिकोण से जरूरी हो, आपको करने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा जब आपको कहीं से मिलती है तो ज़रूर आपको एक काबिलियत हासिल करने के बाद, एक पोजीशन हासिल करने के बाद वो ज़रूर गिव बैक करना चाहिए, क्योंकि वो संस्थान मजबूत होगी तो राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगी तो पूरा विश्व मजबूत होगा। नमस्कार डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।